बैतूल में लोगों ने दुर्लभ प्रजाति के सांप को बंधक बना लिया। जैसे ही इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को लगी, वह मौके पर पहुंचे और सांप को लोगों के चंगुल से बाहर निकलवाया। केले की दुकान लगाने वाले दुकानदार को दुर्लभ प्रजाति के हरे रंग के सांप ने काट लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सांप को पकड़कर बंधक बना लिया। इसके बाद दुकानदार को गंभीर हालत में घोड़ा डोंगरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सांप को बंधक बनाकर रखने की जानकारी सतपुड़ा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी के अध्यक्ष आदिल खान को मिली तो उन्होंने जाकर लोगों को समझाइश देकर सांप को छुड़ाया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, हरे रंग का सांप था जिसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मैंने उनको फोटो भेजा तो उन्होंने कन्फर्म किया कि बैम्बू पेट वाइपर है। वो हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, वहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा है और हमको जानकारी मिली कि भोपाली में ही उस सांप को बंदी बना करके रखा गया है। जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे और उनसे हम लोगों ने जो वहां पर लोग थे उनसे हमने सांप लिया और सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। यह बैम्बू पेट वाइपर है, हरे रंग का होता है और जंगलों में रहना पसंद करता है, पेड़ों के बीच में रहना पसंद करता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।